हाँ दोस्तों नमस्कार। आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश जानने, पढ़ने, बोलने, समझने वालों के लिए, बूढ़े, बच्चे, जवान सबके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली इसमें लोग गलतियां करते रहते हैं। और हाँ, इसके लिए आप ढेर सारे ग्रामेटिकल बुक पढ़े होंगे, ढेर सारे वीडियो देखे होंगे, उसके नियम में और आज के नियम में थोड़ा सा आप अंतर पाएंगे। अंतर वो ये है कि जहां पर वो वीडियो आपने 60 मिनट्स देखी है, वहां पर ये मात्र 10 मिनट में हो जाएगा। वहां की कुछ लॉजिक, कुछ नियम अलग है, आज के कुछ अलग है। आज के अलग क्यों है ये देखिए, आगे देखते हैं। आज का टॉपिक है आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हर कोई जानता होगा, और ज्यादा करके आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम में, आपके एकेडमिक एग्जाम में, आपके कोई भी अब स्कूल एग्जाम होता है, आपको उसमें आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और आर्टिकल का वहां पर यूज करने के लिए आप यहां पर देखते हैं, सबसे पहले आर्टिकल्स होते कितने प्रकार के हैं। आर्टिकल ये दो प्रकार के हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल और एक है इनडेफिनेट। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट के ही चक्कर में हमारे सारे आर्टिकल्स के रूल जो है वह मिक्स हो जाते हैं। तो डेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डेफिनेट का मतलब होता है ऐसे सारे आर्टिकल्स, ऐसे सारे वर्ड, ऐसे सारे आर्टिकल जो किसी डेफिनेट नाउन के पहले, डेफिनेट ऑब्जेक्ट के पहले यूज किए जाते हैं वो होता है डेफिनेट, और वो आपका आर्टिकल होता है द, टी एच ई द, ये है आपका डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आप इसका मतलब वही यूज करेंगे, उसी नाउन के पहले यूज करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे जिसको आप पहले से जानते होंगे, जिसके बारे में आपने पहले से सुन रखा होगा, जिसके बारे में पहले से आपने जान रखा होगा, पढ़ रखा होगा, उसी के पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो फिर आपका ये इंडेफिनिट कैसे हो गया। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जिनसे आपकी पहली मुलाकात हो, जिनके बारे में आज के पहले आप नहीं जानते थे, नहीं सुने थे, पहली बार देख रहे हैं, वहां पर आप इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। ये होता है ए और एन, ए और एन। दोस्तों आर्टिकल ए एन द का यूज दोनों का साथ में पढ़ने के पहले, सबसे पहले मैं आज की वीडियो नंबर वन में आपको सिर्फ ए और एन के बारे में बताना चाहूंगा। अब ए एन की जानकारी ले लेने के बाद आपको फिर हम डेफिनेट आर्टिकल में निकल चलेंगे जो कि द है। तो आइए देखते ए एन क्या होता है। दोस्तों ए और एन एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ए और एन ये एडजेक्टिव है। इनकी मीनिंग होती है, आइए देखिए यहां पर ए और एन, ए एन इसकी मीनिंग होती है एक, सिंगल। तो पहली बात तो आपको यह जानना होगा कि इस आर्टिकल का, इस इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हमेशा हम सिंगुलर नंबर में ही करेंगे, प्लूरल नंबर में कभी भी ए एन का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी मीनिंग होती है एक, एक लड़का, एक लड़की, एक कुआं, एक घर, एक मकान, एक दुकान। तो वहां पर आप ए बॉय, ए गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल, इस तरह का यूज करके करेंगे। तो दोस्तों ए और एन का यूज करने के बारे में देखिए, आपको इसमें ढेर सारे नियम्स आपने पढ़ चुके होंगे। कैसे, कहीं मॉवेल का नियम पता होगा, कभी कंसोनेंट का पढ़ा होगा, कहीं शॉर्ट फॉर्म का अलग से पढ़ना पड़ा होगा, कहीं पर साइलेंट लेटर का अलग से पढ़ना होगा। तो आज ये सारे नियमों को हम क्या करते हैं, रख देंगे ताक पर। उन सारे नियमों में से चाहे वॉवल्स और कंसोनेंट का हो, चाहे शॉर्ट फॉर्म का हो, चाहे साइलेंट लेटर का हो, इन सब को आज हम चर्चा ही नहीं करेंगे। एक अलग नियम जो कि आप पहले से ही जानते हैं, उसी के बारे में आज हम यहां पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें ये पांच ए, ई, आई, ओ, यू, इनको वॉवल्स बोलते हैं। ये पांच होते हैं, मोस्टली आपको ग्रामर की, ग्रामर की किताबों में इन्हीं को आधार रख करके, इन्हीं को बेस मान करके आपको ए एन का नियम बताया गया है।
लेकिन ठीक है, ये वॉवल्स हैं। अब अगर हम इस इंग्लिश के वॉवल को छोड़ दें, आइए देखते हैं, आपने हिंदी पढ़ी होगी पहले, हिंदी में क्या है। आप यहां हिंदी में देखेंगे, यह है क, ख, ग, घ, ङ, इस प्रकार से पूरा लेकर के च, छ, ज से लेकर के आपको ज्ञ तक पढ़ने होते हैं, आपको भली भांति मालूम होगा। इसको हम बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स। ठीक, ये आपका व्यंजन, ध्यान देना इसी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग क, ख, ग क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं इसको, क्योंकि इसी से आपका टाइम 5 गुना कम होने वाला है, 5 times। जो ए एन का यूज आप 1 घंटे में पढ़ेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट में आप पढ़ लेंगे। तो ये आपका हो गया व्यंजन। दूसरी बात यहां पर है आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ए और ओ, ओ, ये देखना दोस्तों, ये आपका हिंदी का है स्वर, हिंदी में स्वर है। ये कितने हैं कुल मिलाकर के यहां पर मैं, और हो सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल 10 दिया है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, ओ। ठीक, अब पूरा का पूरा ध्यान आपको यहीं पे देना है। यहां पर ध्यान देने के बदले आपको मिले क्या? मात्र 2 मिनट में ए और एन संबंधी सारी गुड़िया, सारी कंफ्यूजन पल भर में दूर हो जाएंगे। ध्यान दो दोस्तों, अब इसे पढ़ने के बाद ध्यान देना, जब कभी भी आपको ए या एन लगाना हो, पहली बात तो ये जानेंगे आप उस सिंगुलर में लगेगा, प्लूरल में ए या एन कभी लगता नहीं है। ठीक है, जब आप वहां कोई ए या एन लगाने जा रहे हैं तो ध्यान देना, आपके मुंह से निकलने वाली ध्वनि, आवाज क्या है? अगर आपसे निकलने वाली पहला अक्षर, फर्स्ट साउंड, अ से लेकर के अ तक आता है, तो पक्का आप उसके लिए वहां यूज करेंगे एन, 100%। अभी हम इसका एग्जांपल देंगे ढेर सारा, वहां सब कंफर्म हो जाएगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सॉरी, और अगर पहला साउंड आपका क से लेकर ज्ञ तक आता है, आप वहां पर लगाएंगे अ। इस प्रकार से बस इसी 2 नियम से आपका ए और एन का जो कंफ्यूजन था वो पूरी तरह से दूर हो जाता है, मात्र 2 नियम से। अब आपको वावेल का नियम नहीं पढ़ना है, शॉर्ट फॉर्म का नियम नहीं पढ़ना, साइलेंट लेटर का नियम नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली लॉ ऑफ साउंड। इसे बोलते हैं क्या? रूल्स ऑफ साउंड, आवाज का नियम, जैसा साउंड होगा वैसा आप यूज करेंगे। क्लियर? कुछ देख लेते हैं, जैसे मान लो आपने यहां पर लिखा बॉय, अब बॉय के पहले आपको लगाना है ए या एन, ए या एन, तो आप जरा बोल के देखिए क्या होता है, ब, ब, पहला साउंड आप मुझसे निकलता ब, अब ब क्या है, इसमें आता है क से लेकर ज्ञ तक में आता है ब, प, फ, ब, ब आता है, मतलब पहला अक्षर आपने व्यंजन का दिया है, आप क्या लगाएंगे? अब वाय। कंफर्म? ये देखिए यहां पर है आउल, आउल, पढ़िए इसको आउल, पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर मत देखना, अक्षर मैंने देखने नहीं कहा, वो आप नहीं देखना, अब साउंड देखना, आ, आ, उल, तो आप यहां पर ये अक्षर आ गया आपका कौन सा? स्वर वाला हिंदी का। अब आप यहां क्या लगाएंगे? एन, एन, आउल। क्लियर? अब दोस्तों मैं ये भी नहीं, अब आप ये देखकर कंफ्यूज मत होना कि जहां पर हमारा वावेल आएगा वहां पर हम एन लगा देंगे, जहां पर कॉन्सोनेंट आएगा वहां पर ए लगा देंगे, ऐसा नहीं है। हमने इस अक्षर को देखने के लिए मना किया है, केवल इसकी साउंड को सुनना, साउंड को, लेटर को देखकर कि कभी ए एन नहीं लगाना, केवल आप इसके साउंड को देखकर लगाना। आइए देखते हैं एग्जांपल, यहां पर इतने वर्ड लिए गए हैं, अब एक एक कर देखते हैं। प,
पहला क्या है बॉय, ब साउंड क्या आया ब, ब किसमें आता है कस से लेकर ज्ञ तक, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे ठीक है। दूसरा देखिए गर्ल, जी आई आर एल, जी नहीं देखना, कॉन्सोनेंट नहीं देखना, साउंड देखना, साउंड ग, ग में क्या लगाएंगे अ, अगर ठीक। अभी देखा आउल, अभी आप पढ़ क्या रहे हैं अ, ये पर आपको हो गया एन। तीसरा है कैमल, कैमल सी ए एम ई एल, सी नहीं देखना है आपको, देखना नहीं है सुनना है क, क ये क्या होगा ए होगा ठीक। गोट अ, हाउस अ, हॉर्स अ, इंडियन, इंडियन ई, ई आया ना क्या होगा एन। फिर मैं मतलब मना कर रहा हूं, आप इसको देखकर नहीं कर रहे हैं, आप इसे देखकर नहीं कर रहे हैं एन का यूज, आप बल्कि सुन के कर रहे हैं, देख के नहीं सुन के करना है ये। देखिए बोर्ड बी आ गया, मैंगो अ मैंगो, मैन अ मैन, अंपायर, अब अंपायर में क्या लगेगा एन, तो अब आप ये बताइए अंपायर में एन आपने यू देख के लगाया है कि अ सुन के लगाया है, देख के मत लगाना नहीं तो कहीं ना कहीं गलती करा ही देगा जाके के। अगर आप लेटर्स को देख करके ए एन का यूज कर रहे हैं पक्का आप गलती कर रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपसे गलती ये करा देगा। तो आप यहां पर साउंड को सुनकर करेंगे अंपायर ओ आ ई, अंपायर एन होगा, अम्ब्रेला अ एन होगा, वैन वैन, यार है लव वह वह, ए बैंड आ उमैन आ, क्लियर। अब आइए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहां पर आपका कंफ्यूजन और भी दूर होने वाला है। ये देखिए आपके सामने यहां पर दिए गए कुछ अक्षर दिख रहे होंगे, मैं अगर चाहिए तो मैं इसका चेंज कर देते हैं थीम। देखिए ये है लगा यहां पर आपका दिख रहा है ना, यहां पर है एस एस सी, देखना एस एस सी। अब एस एस सी देख के आपको क्या लग रहा है तो यहां पर यस, यस है कॉन्सोनेंट। अगर आपने कहीं यहां पर कॉन्सोनेंट देख करके बात करी और लगा दिया तो पक्का ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों। अब एस में जरा यहां पर देखिए, मैं एक दूसरा थीम देता हूं, थीम क्लियर दे रहा है। देखिए यहां पर एस एस सी ठीक, अब एस एस सी में पहला लेटर क्या है एस है, एस कॉन्सोनेंट है। अगर आप देखेंगे तो देखने को वाला क्या साउंड, इसको क्या पढ़ते, इसको पढ़ते हैं एस, ठीक है एस पढ़ते हैं। तो अगर यही एस किसी वर्ड में आता था, आपने वहां पर अ लगाया था, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म में एस को हम जो पढ़ते हैं उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या करते हैं एस एस, और एस करने के नाते ही आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा एन, एस एस सी में एन होगा। ये देखिए मैंगो, मैंगो पढ़ क्या रहे हैं, मैंगो में आपने क्या लगाया था, मैंगो में अ लगाए थे ठीक है। लेकिन अगर किसी को मैं कह दूं एमपी, एमपी अब ये भी एम है ये भी एम है, वहां आपने लगा दिया ए, लेकिन यहां एमपी में एम को हम ऐसे लिखते हैं, जब देखिए एम पहला अक्षर क्या आया ए, जब साउंड टर्न क्या निकलेगा ए, ए में क्या लगाएंगे एम। अब एक बात, कहीं शॉर्ट फॉर्म को देख करके आप ये मत समझ लेना कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे हम उसमें एन लगा देंगे, नहीं, क्यों। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिख दिया टी टी, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। अब आपने यहां शॉर्ट फॉर्म में एन लगाया तो क्या यहां पर भी एन लगाएंगे, नहीं,
क्योंकि टी ट पहला साउंड आ रहा है ट में लगेगा ए टी टी, इसलिए यहां पर शॉर्ट फॉर्म का जो कंफ्यूजन था दूर कर दीजिएगा। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म में एन लगाएंगे और फुल फॉर्म में हम लगा देंगे ए, नहीं ऐसा नहीं। अब साउंड देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे साउंड। अब एग्जांपल जरा एक और देखना यहां पर कुछ साइलेंट लेटर का। अभी किसी ने कहा यहां पर यह है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में क्या लगाएंगे, पहला अक्षर तो एच है लेकिन हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हम इसको हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। जब इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, आपको मैंने कहा देखना नहीं है सुनना है, देख के नहीं लगाना है सुन के लगाना है, आपने पढ़ा ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे एन। और ये देखिए और ये क्या है एन लगेगा एन, लेकिन कहीं फिर वही बात आ गई, आप शॉर्ट फॉर्म ये साइलेंट लेटर देख करके एन न लगाने लगे। एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा यहां पे नाइट, के एन आई जी एस टी, नाइट योद्धा। अब नाइट में पहला अक्षर साइलेंट है तो क्या आप यहां पर एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि साउंड देख रहे हैं, साउंड हमको क्या मिला है न, न किस में आता है क से लेकर के ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए आप यहां कभी भी क्या लगाएंगे अ नाइट। क्लियर, पक्का ना। अब इसके बाद ये देखिए नॉलेज, नॉलेज ये भी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, क्या लगाएंगे एक एन, शॉर्ट फॉर्म नहीं, शॉर्ट फॉर्म का नियम ये नहीं का आप वहां पर लगाएंगे, यहां साउंड की बात है, क्या लगाएंगे यहां पर अ नॉलेज। क्लियर, अब आइए एक और कंफर्म कर लेते हैं, यह मैंने लिख दिया है अंपायर, अभी आप देख क्या रहे हैं यहां यू है, आपने यहां पर एल लगाया, लेकिन ध्यान देना आपने एन इसलिए नहीं लगाया कि वहां पर यू अव्वल है, बल्कि इसलिए लगाया क्योंकि उसका साउंड जो था वो आ रहा था अ। अब ध्यान देना, यहां मैंने लिखा यहां पर यूनियन, अब यूनियन में भी यू आया है, ऊपर यू आपने देखा, अगर आप अक्षर देख के यू कर रहे हैं तो नीचे आप भी यहां पर एन लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखना यूनियन में कभी भी आप अगर ए लगा के आते हैं वो एन लगा के आते हैं रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया अभी यहां पर ये आपने सुना हम साउंड देखेंगे और यू का साउंड क्या होता है ये देखिए यूनियन, तो पहला अक्षर क्या आ रहा है या किसमें आता है कैसे क्या वाले में व्यंजन वाले में, इसलिए आप यहां पर क्या लगाएंगे आ यूनियन। ये देखो यूजफुल, यूजफुल एनिमल, ध्यान देना यहां पर यूजफुल एनिमल, अब आप यहां क्या लगाएंगे यू आ रहा है, आप यू अक्षर नहीं देखेंगे साउंड देखेंगे, साउंड देखेंगे क्या लगाएंगे आ यूजफुल। क्लियर, इसी प्रकार से अगर मैंने आपको दे दिया आउल, आउल में ओ है, ओ देख के नहीं लगाया ना, आ देख के लगाया है, इसे यहां पर क्या आएगा एन आएगा, लेकिन तभी अगर मान लो किसी ने आपको कह दिया भैया देखिए यहां पर है वन मैन शो, वन मैन शो या वन मैन आर्मी, ये देखो ये वन मैन शो है, वन मैन शो है, अब यहां पर ओ को देखकर अगर वावेल को देखकर आपने एन लगाया तो आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है और वो मार्क्स आप मिस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देख के लगाया है, देखने लगा सुन के लगाना, इसे हम क्या पढ़ते हैं वन, वन में पहला अक्षर क्या आया व क्या आता है कंसोनेंट, इसलिए आप यहां पर क्या लगाएंगे ए वन मैन आर्मी, एन वन मैन आर्मी कभी भी नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका ए और एन रहा, आज की छोटे से वीडियो में अगर आपने ए एन अच्छे से कंफर्म कर लिया है तो नेक्स्ट वीडियो में ए एन के साथ में द को शामिल करके हम लोग पढ़ेंगे, पूरा हो जाएगा आपका ए एन द।
आपका ये बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत जगह से बहुत कई नियम पढ़े होंगे, बस दो वीडियो में आपका पूरा पूरी लाइफ का ये एएन का जो झंझट है वो निकल जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे एएन के साथ में दबी लेंगे। आपने यहां पढ़ा इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा है, आप डेफिनेट भी कर देंगे तो पूरा वीडियो हमारा ये डेफिनेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।